नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं। ऐसी न्यूज जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि आखिर बीजेपी अपना बचाव और जवाब क्या रखती है, आम आदमी पार्टी को जवाब कैसे देती है, खासकर अरविंद केजरीवाल के इन सवालों का, इन एलिगेशन का। वो किस तरीके से अपना बचाव करती है या आम आदमी पार्टी को किस तरीके से उस पर हमला करती है और उसको इस पर जवाब देती है। इससे पहले कि आप ये खबर जाने, हम आपको बताते हैं कि आखिर यह सवाल क्यों उठा कि हम इस तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल स्पीकर यानी दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक स्टेटमेंट देते हैं, जो विधानसभा में सीधा सीधा एलिगेशन भी लगाते हैं कि अब तक बीजेपी रेपिस्ट या गुंडे मवालियों और ऐसे रिश्वतखोर नेताओं की पार्टी थी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेपिस्ट कि अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है, आप गूगल सर्च कर दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हम आपको इसका वीडियो भी दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एलिगेशन लगाए और उन्होंने क्या क्या कहा। मगर वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगाया कि यह तो छोटी मोटी बातें हैं, अब बीजेपी के नाम एक मेडल, एक तमगा और आ गया है, यानी अब बीजेपी इससे आगे बढ़ गई है। अभी तक भ्रष्टाचारी हो, रेपिस्ट हो, गुंडे मवाली हो, ऐसे ही बीजेपी के नेता पहचाने जाते थे, मगर अब उनको हम आतंकवादी के रूप में पहचान सकते हैं। यह बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल ने बोला है। उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में उदयपुर की घटना को लेकर जवाब दिया। उन्होंने सीधा कहा कि वहाँ पर जो मर्डर हुआ है किस कन्हैया लाल के ऊपर, वहाँ पे जो दो लोगों ने मर्डर किया है उसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता है। यह उन्होंने साफ साफ एलिगेशन लगाया कि बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता है। यानी इसके बाद उन्होंने एक एलिगेशन जम्मू कश्मीर को लेके भी लगाया कि लश्कर का कमांडर भी जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है और वो बीजेपी का नेता निकलता है। यानी मर्डर करना बीजेपी के नेताओं की आदत बन चुकी है। रेप में बीजेपी अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आती है, और साथ ही साथ अब तो आतंकवादियों की भी पार्टी हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे सामने आई हैं साक्ष जिसको अरविंद केजरीवाल ने कोड किया। ये बड़े एलिगेशन हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पे। आप यह वीडियो देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना सही कहा उन्होंने और क्या क्या कहा, किस तरीके के आरोप बीजेपी पे अरविंद केजरीवाल ने लगाए और किस तरीके से उन्होंने सीधा बोला कि दिल्ली में जो दो टॉप के लीडर हैं बीजेपी के, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरते हैं और वो यानी मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। उन्होंने सीधा कहा, उनका इशारों में जो नाम था, जो नेताओं के ऊपर उंगली उठाना था, वो था प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर। उन्होंने इशारों में कहा कि हम किसी से नहीं डरते, अगर कोई दो बड़े टॉप के लीडर बीजेपी के डरते हैं तो वो हैं इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और वो कोई डरता है तो वो मुझसे डरते हैं, अदरवाइज वो किसी से नहीं डरते। अब आप ये वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के एलिगेशन लगाए हैं और कितनी सच्चाई इसमें है। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें दो लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन दो लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर दो दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो
बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहां आने के पहले आप लोग भी करना एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है। बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी है उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली बलात्कारियों की पार्टी है, इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं, कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे अपराधी वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए बीजेपी में मिलेगा, कहीं कोई मर्डर हो जाए या तो बीजेपी का हो गया बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। दोस्तों पूरे देश के अंदर आज एक एक करके सारे पार्टियां टूटती जा रही हैं, सारी पार्टियां झुकती जा रही हैं, सारे पार्टियां गिरती जा रही हैं। इन्होंने सबको तोड़ लिया, आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। केवल आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। केवल आम आदमी पार्टी है जिससे इनके टॉप के दोनों नेता डरते हैं। तो अभी आपने जो वीडियो देखी है ये दिल्ली विधानसभा की है, जहां अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोला कि वो उनसे डरते हैं, आतंकवादियों की पार्टी है, रेपिस्ट की पार्टी है, गूगल सर्च कर लीजिए, ऐसी कई चीज़ों को लेके उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अब देखने वाली बात है, क्योंकि यह कोई छोटा एलिगेशन नहीं है, अब बीजेपी भी इस पर पलटवार करेगी, क्योंकि बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और अमित शाह की है, यानी टॉप के दो लीडरों की है, और बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी और किस तरीके का रिएक्शन आम आदमी पार्टी पे बीजेपी दिखाती है और किस तरीके से हमलावर होती है, किस तरीके से जवाब देती है बीजेपी अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। एन भारत टीवी दिल्ली।